नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पूजा राय किचन में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और खास्ता बिस्किट घर पे, बिल्कुल बाजार जैसे। तो चलिए बनाते हैं। हमें चाहिए घी, पीसी हुई चीनी, मैदा, दूध, बेकिंग पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच बेकिंग सोडा। अब एक हम बाउल लेंगे और इसमें डालेंगे घी। अब इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी और इसे चम्मच से अच्छे से मिला लेंगे। इसे अच्छे से मिलाना है ताकि कोई लम्स ना रहे। अब इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अब ये तैयार है। अब इसमें मैदा थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। इसे हाथ से मिलाएंगे। बचा हुआ मैदा भी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच के करीब दूध डालेंगे। दूध थोड़ा सा ही डालें, पहले देख लें उसके बाद फिर डालें। अब इसमें थोड़ा दूध और लगेगा तो थोड़ा और ले लेते हैं, 1 चम्मच के करीब। अब इसका डो तैयार कर लेते हैं। अब ये तैयार है। इधर एक प्रेशर कुकर को गर्म होने दे रख दिए हैं। इडली स्टैंड को घी से ग्रीस कर लेते हैं। अब इसका छोटा छोटा लोई बना के पेड़ा का शेप देंगे। और दूसरा तरीका, आप एक तवा लें और उसे भी गर्म होने दे दें। यहाँ पे मैं काजू डाल रही हूँ, आप ड्राई फ्रूट में जो भी आपके पास है आप डाल सकते हैं। और एक फ्राई पैन पे पेड़ा बना के दिखाएंगे। तो मेरा तवा गर्म हो रहा है, तब तक इधर सारा पेड़ा बना लेते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब ये सारा तैयार है, इसे सेट कर लेते हैं। कुकर भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें बहुत ही सावधानी से डालेंगे। अब इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसका सीटी निकाल देंगे। इसमें करीब 2 चम्मच दूध लगा। अब एक फ्राई पैन में बिस्किट डाल के इसका ढक्कन बंद करके मीडियम आंच पे 10 मिनट तक पकने देंगे। और इसे डायरेक्ट गैस पे ना रखें, एक तवा पहले नीचे रखें उसके बाद ही रखें कोई बर्तन में। अब 10 मिनट हो चुका है, इसका कलर चेंज हो गया, इसका साइज़ डबल हो चुका है, देख सकते हैं। अब इधर प्रेशर कुकर में भी देख लेते हैं, देख सकते हैं इसका भी साइज डबल हो चुका है। जब रखे थे तो साइज़ क्या था और अभी क्या है। अब ये तैयार है, इसे ठंडा होने दें लगभग 15 से 20 मिनट तक, तभी इसको उठाएं, नहीं तो ये टूट जाएगा। और अब देख सकते हैं कितना खस्ता बना है, कितना आराम से टूट रहा है। तो आप भी बनाएं और इसे 1 महीने तक